ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸੀ। ਮਾਨੀਆ ਯਾਰ ਬੜੀ ਚੰਗੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੈ ਯਾਰ। जी दोस्तों, आ गया आपका भाई मानिया एक नई वीडियो के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के दिल ग्वालमंडी चौक में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फीका लस्सी वाला, ये जो लस्सी है पेड़ों वाली लस्सी स्पेशली, जिसके ऊपर मक्खन डालते हैं और पेड़े डालते हैं, उससे जो लस्सी का एक लुत्फ है बड़ा दुबाला हो जाता है। अभी मैं इसको पीऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये लस्सी जो है ये बन कैसे रही है, इसकी मेकिंग कैसे हो रही है। वो जो मक्खन उसके अंदर डालते हैं, दूध डालते हैं, उसके ऊपर वो पेड़े डालते हैं, उसको वो ग्राइंड करते हैं। इस शॉप की जो खासियत है वो ये है कि ये शॉप जो है इसका क़याम जो है 1947 से, ये जो शॉप है यहाँ पर इसका क़याम है 1947 से है। बड़ों ने इसको कायम किया। इस वक्त जो है ना हमारी माशाल्लाह पांचवी जनरेशन जो है वो काम कर रही है और मैं फोर्थ जनरेशन पे हूँ, मेरे बेटे खड़े हैं, ये पांचवी जनरेशन है। तो हमारी जो लस्सी है इसकी जो स्पेशलिटी है जी, ये पेड़ों की लस्सी खासकर है, जो दूध मक्खन खोया इन चीज़ों की बनती है। ये देखिए मुंह में पानी आ गया ना आपको देख के लस्सी को। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा कैमरे के करीब करके दिखाऊं इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, और इसको इसके साथ ये देखिए चम्मच के साथ ये देखिए चम्मच के साथ इसको उसके पेड़े को मिक्स करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं भी लस्सी पीने लगा हूँ। बड़ा हैवी किस्म का ये ग्लास है और बड़ा जेंगो किस्म का ये लस्सी का ग्लास है। इसके ऊपर ये मक्खन है और साथ ही पेड़े हैं, तो आप इसको वैसे भी ये खा सकते हैं। ये देखिए, ओ वाह, बड़ी मज़े की लस्सी है जी। वाह, ये इसके अंदर जो मक्खन और वो जो पेड़ों का जो टेस्ट है, उसका जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बड़ा मज़ा आ रहा है उसका, उसको खाने का। अभी मैं पीने लगा हूँ लस्सी। ये देखिए, ओ यार बड़ी जेंगो किस्म की लस्सी है यार, बड़ी मज़े की है। इसमें एक बात याद आ रही है, जो तो पी लेने ऐसी पेड़ियाँ वाली लस्सी, मुँह ते आ जाती है हसी। दोस्तों तो फिर तुसी मैनू ना कहना क्या गल मैं पहले क्यों नहीं दसी। तो दोस्तों इसी बात के साथ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, चाचे फीके की लस्सी वाला, पेड़े खोए मक्खन वाली लस्सी, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मानिया मानिया।